we are going to learn one new topic, that is time. आज हम new topic learn करने वाले हैं, वो है time. Okay children, so this is a clock. It is used to know the time. आपको कैसे पता चलता है क्या time हुआ है? When we see the clock. Clock में देखने के बाद ही आपको पता चलता है ना कि अभी कितना time हुआ है. Okay? जब आप पूछते हो कि कोई आपको पूछता है what is the time? Then you tell that it is 4 o'clock or it is 4:15, 3 o'clock. ये आपको कैसे पता चलता है? When you see the clock. So we know the time by the clock. Okay children, the flattened surface. ये जो flattened surface आप देख पा रहे हो, इसको क्या बुलाते हैं? Face of the clock. इसको बोलते हैं face of the clock. Okay children, and in a day there are 24 hours. एक डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स. ओके, सो आपको ये कैसे पता चलता है? जब आप क्लॉक में देखते हो. बट चिल्ड्रन, कैन यू सी एट द फेस ऑफ दिस क्लॉक हाउ मेनी डिजिट्स आर रिटन देयर? वी विल काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. ओके, यहाँ पर सिर्फ 12 डिजिट्स दिए हैं, बट वन डे देर आर 24 आवर्स. तो हमको बाकी का टाइम कैसे पता चलेगा? यस, बट चिल्ड्रन, ये जो यहाँ पर ये जो क्लॉक है ना, इसमें 3 हैंड्स होते हैं. ओके, दिस आर हैंड. ये जब आर हैंड घूमता है तो आपको पता चलता है अभी कितने बजे है. टू शो द 24 आवर्स इन अ डे, दिस आर हैंड्स इट रोटेट्स ट्वाइस इन अ डे. ओके, ये जो आर हैंड होता है ना, ये दिन में 2 बार घूमता है, तब जाके 24 आवर्स ये कंप्लीट करता है. ओके, सो इन अ डे देयर आर 24 आवर्स एंड दिस आवर हैंड इट रोटेट्स ट्वाइस. ओके, 2 बार ये रोटेट करता है. ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर आर 3 हैंड्स. सो चिल्ड्रन, देयर आर 3 हैंड्स इन द क्लॉक. दिस शॉर्ट वन इट इज कॉल्ड एज अ आवर हैंड and this long one, इसको क्या बुलाते हैं? Minute hand. And ये जो सबसे छोटा है उसको बुलाते हैं seconds hand. Okay? Hour hand, minute hand and seconds hand. So children, जैसे कि हमने देखा, in one day there are 24 hours. Okay? एक दिन में कितने hours होते हैं? 24 hours. And one hour में होते हैं 60 minutes. मिनट्स कौन सा हैंड दिखाता है? ये जो लॉन्ग हैंड है ना, वो हमको मिनट्स दिखाता है. ओके, एंड 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स. ये जो सबसे छोटा वाला हैंड है ना, थिन वाला, वो हमको क्या दिखाता है? सेकेंड्स. ओके, ये जब छोटा सबसे छोटा वाला सेकेंड्स हैंड है ना, वो एक फुल टाइम रोटेट करता है. एक बार जब वो रोटेट करता है तब क्या होता है? 1 मिनट. ओके, एंड वैसे ही जब ये मिनट है, ये वन टाइम रोटेट करता है, तो इट कंप्लीट्स 1 आवर. ओके, सो सेकेंड हैंड वन टाइम जब रोटेट करता है, इट कंप्लीट्स 1 मिनट. तो ये जब पूरे 60 सेकेंड्स कंप्लीट करता है ये सेकेंड्स वाला हैंड, तब 1 मिनट होता है. वैसे ही ये जो मिनट वाला हैंड है ना, दिस मिनट हैंड, when it rotates one complete circle, okay, 12 से स्टार्ट होके ये वापस जब 12 पर जाता है, तो it completes 1 hour, okay, so this from 12 to 1, it complete 5 minutes, 1 to 2, 10 minutes, 2 to 3, कितना हो गया? 15 minutes, 20 minutes, 25, 30, 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, 55 minutes and 60 minutes. Okay? And वैसे ही ये आर हैंड जब जो भी नंबर पर होता है, now it is showing 6 o'clock because the आर हैंड is at 6 and ये जो मिनट हैंड है, it is at 12 o'clock, 12, नंबर 12 पर है वो. Okay? Our hand is at 6 and minute hand is at 12. So it shows it is 6 o'clock. Okay children, abhi hum aur dekhenge ki how to read the time. Okay children,
नाउ ये मिनट हैंड देखो आगे आगे जा रहा है, नाउ इट इज ऑन 3। सो 12 to 1 में कितने मिनट्स हो गए चिल्ड्रेन? 5 मिनट्स। फ्रॉम 1 to 2 इट कम्प्लीट 10 मिनट्स एंड 2 to 3 15 मिनट्स। नाउ द टाइम इज 6:15, ओके, बिकॉज द आवर हैंड इज एट 6, द मिनट हैंड इज एट 3। तो अभी टाइम क्या हुआ? 6:15, ओके चिल्ड्रेन। लाइक दिस यू कैन रीड द क्लॉक और आप टाइम बोल सकते हो फिर। नाउ लेट्स सी, यस अगेन ये मिनट का जो काटा है वो कहां पर गया? 12। जो मिनट हैंड है वो वापस 12 पर गया, उसने एक बार पूरा कंप्लीट किया है ना। नाउ सी द आर हैंड, वो कहां पर आया है? 7, ओके। नाउ द आर हैंड इज एट 7 एंड द मिनट हैंड इज एट 12। सो व्हाट इज द टाइम चिल्ड्रेन, कैन यू टेल मी? यस, नाउ इट इज 7 o'clock, ओके चिल्ड्रेन। लाइक दिस यू हैव टू रीड द क्लॉक।